नमस्कार मित्रों, तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। टमाटर के बाद मंडियों में औंधे मुंह गिरी फूलगोभी, 6 रुपए किलो बिक रही। टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी औंधे मुंह गिर गए हैं। शुरुआत में 30 रुपए किलो तक बिकने वाली फूलगोभी पिछले कल 6 से 8 रुपए किलो तक मंडियों में बिकी। बंपर पैदावार को दाम गिरने का कारण बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि टमाटर के बाद अब फूलगोभी के दाम भी गिर गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि खाद और दवाइयों का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि फूलगोभी की फसल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंत्री सुरेश भारद्वाज हिमाचल प्रभारी नियुक्त। राष्ट्रपति चुनाव के चलते भाजपा ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। भरमौर के भाजपा विधायक जियालाल को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमीरपुर के भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर को भाजपा ने पोलिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। पहले सुंदरनगर के भाजपा विधायक राकेश जम्बाल को पोलिंग एजेंट बनाया गया था। अब हमीरपुर के भाजपा विधायक नरेंद्र ठाकुर बनाए गए हैं। हिमाचल पुलिस भर्ती 18 जुलाई से होगी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 12,336 अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन 18 जुलाई से होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती बोर्ड की ओर से पिछले कल जिला पुलिस अधीक्षकों को यह आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सितंबर में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। भर्ती बोर्ड ने 8 दिन में पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। एचआरटीसी की नई बसों में तोड़फोड़, शिकायत दर्ज। एचआरटीसी प्रबंधन ने हाल ही में 205 नई बसों की खरीद की थी। इन बसों में यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ यात्रियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है। नई बसों में हर सीट के साथ चार्जिंग पॉइंट लगाए गए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने बसों में लगे चार्जिंग पॉइंट ही तोड़ दिए। वहीं कई बसों के चार्जिंग पॉइंट में तिलियां डाल दी तो कई के चार्जिंग पॉइंट के यूएसबी चार्जिंग सॉकेट ही तोड़ दिए हैं। सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर और एचआर के भरे जाएंगे 300 पद, कांगड़ा के इन रोजगार कार्यालयों में होंगे साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शमी शर्मा ने बताया कि इंडक्टिव सिक्योरिटी फंक्शन प्राइवेट लिमिटेड ठांडा शिमला में सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर और एचआर के 300 पद भरे जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और बीए पास और आयु सीमा 18 से 38 वर्ष रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के तौर पर 12,000 से लेकर 22,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। वहीं इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ 14 जुलाई को सुबह 10 बजे उप रोजगार कार्यालय इंदौरा, 15 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय नूरपुर, 16 जुलाई को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में पहुंचना होगा। दूसरी ओर वहीं 18 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय नगरोटा बगमा, 19 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय कांगड़ा, 20 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय ज्वाली और 21 जुलाई को उप रोजगार कार्यालय देहरा में भी साक्षात्कार होंगे। हिमाचल में 244 लोग संक्रमित, कुल्लू में बुजुर्ग ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को प्रदेश में 244 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि कुल्लू के 90 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1202 पहुंच गई है। वहीं कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अस्पतालों में 23 मरीज भर्ती हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
6% बढ़ गया कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का एनपीए। वित्त विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में कार्य कर रहे कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% बढ़ गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक का एनपीए 23.74% था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह 29.17% पहुंच गया है। राज्य वित्त विभाग ने बढ़ते एनपीए पर चिंता जताते हुए बैंक को चेतावनी जारी की है। जिला परिषद कैडर की हड़ताल खत्म। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी 12 दिनों के बाद पैन डाउन स्ट्राइक व धरना प्रदर्शन विभाग के आश्वासन के बाद खत्म कर पिछले कल कार्यालयों में लौट आए हैं। प्रदेश व्यापी मांग के तहत जिला परिषद सिरमौर के पंचायत सचिव, पंचायत तकनीकी सहायक, जिला परिषद के कर्मचारी, जेई, एसडीओ इत्यादि पंचायत राज में विलय की प्रमुख मांग को लेकर 27 जून से जिला मुख्यालय के बीडीओ कार्यालयों के बाहर पैन डाउन स्ट्राइक के तहत धरना प्रदर्शन पर थे। हिमाचल में आपदा प्रभावितों को मिलेगा मुफ्त राशन और गैस कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ कहर बरपाना शुरू हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपदा से प्रभावित होने वाले परिवारों को खाद्य आपूर्ति विभाग निशुल्क राशन और गैस कनेक्शन देगा। बादल फटने और भारी बारिश में जिन लोगों के घरों का सामान बह गया है उन्हें यह राहत दी जाएगी। बिजली बोर्ड में फंसी कर्मियों की पदोन्नति, जूनियर पदनाम से एक ही वेतन पर आ गए इतने मुलाजिम। बिजली बोर्ड में करीब 3,500 कर्मचारियों की पदोन्नति अटक गई है। टीममेट और हेल्पर के तौर पर सेवाएं दे रहे इन तमाम कर्मचारियों को पूर्व में जूनियर पदनाम के साथ जोड़ा गया था ताकि इनके लिए पदोन्नति के पायदान तय किए जा सकें। जनवरी 2016 के बाद सभी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपये तय होने के बाद जूनियर, टीममेट और हेल्पर एक ही पदनाम के साथ समान वेतन हासिल कर रहे हैं। ऐसे में जिस उम्मीद के साथ टीममेट और हेल्पर के साथ जूनियर पदनाम जोड़ा गया था अब वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही है। कैबिनेट ही बदलेगी पे रिविजन रूल। 2 साल की राइडर को लेकर पे रिविजन रूल्स में संशोधन के लिए कर्मचारियों को अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री से अनुमति के बावजूद यह मामला फिर से मंत्रिमंडल में भेजा जा रहा है। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह है कि मुख्यमंत्री से फाइल पर ली गई अनुमति भी कंडीशनल थी और इसमें कैबिनेट में जाने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ 3 जनवरी 2022 को नोटिफाई किए गए नए वेतन आयोग के पे रिविजन रूल्स को पहले से कैबिनेट की मंजूरी मिली हुई थी, इसलिए इनमें अगर कोई संशोधन करना है तो कैबिनेट में जाना जरूरी है। यही वजह है कि राइडर पर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा। कैबिनेट की बैठक हालांकि 14 जुलाई को भी बुलाई गई है लेकिन इसमें ये मामला आएगा या नहीं इस पर संशय है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।